गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। ये बात 600 वर्ष कहा करते परमात्मा पुण्यात्मा, आज जो आपको सुआरी है ये अच्छी लग रही है, रात से 50 साल पहले भी ये बात कह दी जाती है, दास का शर फोड़ देते आगे, और अब गुण गाते हैं, गुण संघर्ष के लिए तैयार हो गए, हमारे बच्चे जा जाकर घर घर गांव गांव में ढंडोरा पीट रहे हैं कि क्योंकि वो सब आपके अपने बहन भाई हैं, वो सभी दुखी हैं, उनको अज्ञानता से परिपूर्ण कर रखा है नकली संतों ने, और उनको समझा रहे हैं, उनके वो समझ पा रहे हैं, और अब भागे आ रहे हैं। इतनी सर्दी और आप कहाँ कहाँ से चल कर आए हो, ये रहम है आपके ऊपर परमात्मा का, उसकी प्रेरणा के बिना आप आदमी ऐसी सर्दी में तो घर बैठे हो ना, पड़ोस में नहीं जाओ दूसरे घर में, ना सोचा सुबह देखांगे इतनी ठंड गिर रही है, और कई बार तो पेशाब की आदत हो जाना जब भी नहीं सोचो, और देख लो घंटे के पाछे देखूंगा, और आप वहां से चलाए सब कुछ छोड़कर ऐसी सर्दी में कोई ट्रेनों से कोई बसों से 24 घंटे चल करके आप पहुंचे, या मेहर आपको भगवान की, और ये अमर कथा आपको सुनने को मिल रही, कितने दयालु हैं परमात्मा, सारे बच्चों को रजाई में बैठा के, अरे आपके अंदर जैसे दूध प्याग रहे बच्चे ने जबरदस्ती नुकार ना बेटा ले थोड़ा सा पी ले, ऐसे ही अमृत ज्ञान आपको पिलाया जा रहा है, या रहम है आपके ऊपर परमात्मा का, ना ये ज्ञान ये बात हमने कौन सुन दे, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा लायरन देन केंद्र हमारे को, मुझसे के सुवारी थोड़ी लाडुआ तो छक्रिया बताइए, या ये भगवान थे, हमने ज्ञान था नहीं, हम इन नगे चिपटे रहे सारी उम्र, तो अब परमात्मा ने हमारी आंखें बना दी, पुण्यात्मा मोती अभिंद हमारा नाश हो गया, ऑपरेशन हो गया, और अब आपको भी डॉक्टर बना दिया, धीरे धीरे जाके गांव में गुआंड में सब जगह पुस्तक वितरित करो, समझाओ प्यार से, चाहे एक बार कोई गाली भी दे आपको आपने उसका बुरा नहीं मानना, क्योंकि आपको पता है कि प्रथम बार आपको भी ऐसा ही लगा होगा जैसे आज ये चिंगर गया, और फिर देखना आपके गुण गाओगा को हो आपने तो मेरा दीरा हटा दिया, और आप कहना नहीं ये तो सतगुरु देव की रजा है, अपने ऊपर नहीं ले हुए, कहते मैं करे सो मारिए तू तू करे सो छूट बे, इस मार में होशियार बंदे गदा बने के ऊंट बे, हूँ करे सो गद्दा हुई मैं करे सो बोक बे, और बंदा भी सारे बंदगी तो स्वान है सब लोक बे, तो कहने का भाव ये है कि अपने सिर नहीं ले, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, अपने ऊपर कोई आपकी प्रशंसा करता अपना बड़ा बढ़िया ज्ञान बताया, और आपको मैं फूक भर जाएगी, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश वाला हाल हो जाएगा फिर आपका, फिर दूतम दूता हो जाओगे, हमारा कोई व्यौत नहीं, हम जीव हैं, भगवान गॉड गिवन ज्ञान है, और हमें पता लग गया वहाँ गए उसका संदेश, एक नौकर बनकर एक डाकिया बनकर हम पुस्तक ले जा रहे हैं, हमारा इतना ही व्यौत है, और इतना ही समझे अपने आप को, हम जीव हैं अपने आत्मा, पहले हम सांग देखण जाया करते सर्दियों में, एक जो है ना उसकी खद्दर की चद्दर होती थी, और खद्दर का कुर्ता पजामा होता था, और जब बैठे रात सर्दियों के दिनों में सांग देखने जाया करते, वहाँ सुबह देखे ना वहाँ गधे नहीं बैठे, वहाँ बैठा करते जाकर, अब यानी सारे बैठते थे, और सारी रात दांदरे काटे जानते, वो अच्छी बूंदी कहे जाते, और सुबह उठ कर आ जाते, सारी रात जागते वहाँ रेत में बैठते जाकर, ना कौन मैट बिछावा था हमने देख रखे, और आज देखो परमात्मा ने किसी रजा बख्श रखी, और ये ज्ञान आपको सुनने को मिल रहा, जो देवता तरसे इस सत्संग को, आप कितनी पुण्यात्मा हो ये आपको नहीं मालूम, लाल को अपनी कीमत का ज्ञान नहीं होता, जोर ही बताता है, तो ये समय है इस ज्ञान को समझने का, घंटा आध घंटा फालतू भी लग जावे तो खुशी मनावे अपने दिल में, ऐसे रहस्य आपके समक्ष आ रहे हैं।
सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।